सुन ढासू, जैसे मोर बारिश आने की खुशी में पंख फैलाकर डोलता है, पर तू फन उठाकर डसता है। मेरे जोक के गहराई में मत जा, मैं बस बताना चाहता था कि हर एक दोस्त कमीना होता है। सही है। लीचड़ कहीं का, ऐसे घूर घूर कर मुझे क्या देख रहा है? घर में माँ बहन नहीं है क्या? सॉरी आंटी, दरअसल इसके गले का एंटीना अटक गया है। भाई घूर घूर के क्या देख रहा है रे काले कौवे? सॉरी, हटा वरना हमारा एंटीना फ्यूज हो जाएगा। तेरे को ऐसे देख के हमारी गर्दन मुड़ जाएगी, तो चला जा। मैं जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। हमारे साथ दोस्त? अगर उन्हें पता चला तू हमारे साथ है तो मेरा क्या होगा? मेरा बाया है, तुम्हारा दाया हो जाएगा। क्या मेरा? नहीं, इसका रे। अच्छा। मेरे दोस्त, मुझ पर दिन ब दिन मुसीबतों का टोकरा बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत पड़ी तो मैं अनीता के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे इस मुसीबत से हर हाल में निकलना है। सेंटी मत दे, तेरी अर्थी उठेगी। मेरी? इसकी रे। क्या बात करेगा, प्लान क्या है? उस बिल में स्नेक है, दिमाग में प्लान बेक है, अनीता लाखों में एक है। प्लान फेल तो काटने वाला स्नेक है, जल्दी जाके बात कर। ठीक है, अब देख मेरा कमाल। आ जाओ चिल्लर पार्टी, कम फास्ट। क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? जरा रॉकेट देना मुझे। बच्चों, जब मैं इसे जलाऊंगा ये मंगल ग्रह पे जाके लैंड करेगा। अभी भेजता हूँ। ऑन योर मार्क्स, डायरेक्ट जा। बच्चों, गया ना मंगल ग्रह पर? सांप की बिल्ली मिल गया। अरे नाग देवता भाग गए। एए, केरे, किसने छेद में रॉकेट छोड़ा? तेरी इतनी हिम्मत? क्विक सर्विस है। नाग पंचमी के दिन मैं नाग देवता को दूध पिलाने आई थी। तीन पोतियों का खून करके जेल गई थी और आज जेल तोड़ के आई हूँ। चौथे पोती की कामना है, इसलिए नाग को दूध पिलाने आई थी आज। अब मैं इस दूध का क्या करूँ, तू ही बता। खीर बना डालो, सब खा ले। आपके पीछे भी स्टेरिंग है? क्या कहा? तीसरे पोती को क्यों मारा पता है? उसने मुझसे काम करवाया। प्लीज मुझे मारिए मत, मैं भी आपकी तरह नाग देवता का भक्त हूँ। तो बता नाग देवता को था है? गरीब हुआ तो बिल्लू बार्बर के घर और अमीर हुआ तो बिल गेट्स। अब मैं तेरे थोबड़े को इंडिया गेट्स बनाती हूँ। आंटी, बुरी तरह लग गए। उधर देख। मेरा बॉडीगार्ड है। मैं डसू क्या? माफ करना। अब तेरी बॉडी को कौन गार्ड करेगा? अब दुनिया के किसी भी छेद में रॉकेट छोड़ाना तो देखना, तुझे और तेरे दोस्त को जहरीले नागों से डसवाऊंगी। खड़ा नहीं हो पाएगा। सुना है आप सबकी मदद करती है, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्यों मदद करूं मैं तुम्हारी? और कौन हो तुम? मैं दो दिन से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अगर फिर से मेरा पीछा किया ना तो चलो चलते हैं। अंकल अंकल, आपको दीदी की हेल्प क्यों चाहिए थी? वो मेरी मदद करेगी तभी मेरी जान बचेगी। तो आपने ये दीदी को क्यों नहीं कहा? वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तिकड़म लगाना होगा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। नमस्ते देवी। कैसी हैं आप? इनसे पूछ रहा हूँ। इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? भक्त कुछ ज्यादा ही लालची हो गए ना। सुना है आप सबकी मदद करती हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हूँ। भाई साहब, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तो देवी से बात कर रहा हूँ। तो सामने देख के बात करो। लो पहले आरती लो। थैंक यू पंडित जी। अरे अरे, मैंने आरती की थाली लेने नहीं बोला, आरती लेने बोला है। आप चाहते हैं मैं आरती ले लूं? ले ली। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ने कमाया। अबे क्या हो गया? लकीरें मिट गई, लेकिन लगता है अनीता पड़ गई। उसकी बोगी मेरे दिल के प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गई है, मतलब वो मेरे चक्कर में फंस गई है। उसके बाप को पता चला ना तो गरम तवे पे तू नाचेगा, समझा? अगर वो मान गई तो गरम तवे पर ठंडा पानी डालेगी। फिर पीछा कैसे छुड़ाएगा? वो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो क्या करते हैं? उसे काट डालते हैं। वैसे मेरा मतलब निकल जाने के बाद उसे थैंक यू बाय बाय बोलूंगा और निकल जाऊंगा। ओके। जरा सुनिए जी। क्या है? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जाओ माफ किया। लेकिन पूछे तो सही मैंने क्या गलती की।
ठीक है, बताओ क्या बात है। जब पहली बार आपको देखा तो मेरे दिल के गहरे सागर में धड़कनों की धक धक तेजी से बढ़ने लगी और मैंने दिल तुझको दे दिया। ऐसे पोपट बंदर से प्यार करेगी क्या? वाह, क्या घोड़ा है। किसी धोबी का लगता है, देखो तो किस तरह से चमक रहा है। जी करता है इस पर चढ़कर घुड़सवारी करूं। मेरी तरह डैशिंग है ना? बकवास लग रहा है। क्या कहा, बकवास लग रहा है? जब ये घास खाता है ना, तो इसकी खूबियाँ और बढ़ जाती है। ऐसा क्या है इसमें? इतिहास, हर घोड़े का एक इतिहास होता है। ये घोड़ा घोड़ा है, इसके दादा भी एक घोड़े थे। हर राजा का एक घोड़ा हुआ करता था, बाजीगर भी इसी की वजह से हिट हुई। और इतने बड़े खानदानी घोड़े को आप मामूली घोड़ा समझती हैं? चलिए जल्दी से इसे सॉरी बोल दीजिए, मैं भी बाजीगर बनना चाहता हूँ। सॉरी, अब चलो बैठो इस पे। अभी चाचा जी आइए। हाँ बिटिया, एक बार बिटिया ने कह दिया सवारी करानी है तो तुम्हें करानी है। अरे कधार घोड़े पर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा, बैठो ना। मेरी शादी भी हुई है, घोड़ी क्यों चढ़ा रहे हो? मेरे पास लाइसेंस नहीं है, जरा आराम से। नंबर प्लेट तो इसके पास भी नहीं है। ये मैनुअल है कि ऑटोमेटिक? एक बार होल्ड करो, हवा में फुर हो जाएगी। बाप रे, इसका ब्रेक कहाँ से लगेगा? ब्रेक क्लच गियर पकड़ो। ये मेरे गले में पहनूं? नहीं, इसे पहनाओ, तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ब्रेक तो है ना? ब्रेक तो फेल है। मैं जानता हूँ कैसे तूने एक आदमी के साथ मिलकर ये 30 एकड़ की जमीन हड़पी है। मैं उसे मार दूंगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। अरे तू क्या मारेगा उसे? ये जमीन मेरी है, तेरी नहीं। मैं उसे मेरे पैरों के नीचे कुचल डालूंगा, वो अधिकार मेरा है। ए मुच्छड़ लाला, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। अगर चाहूं तो यहीं पर तेरी 6 फीट की कब्र खोद के दिखा दो। अरे मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। जमीन बेचने की कोशिश की तो लाशें बिछा दूंगा। अरे लाश तेरी बिछ जाएगी। अबे मैं कि यहां से चुपचाप चला जा तू। सोनिया भाई, ए ए पीठ पीछे वार क्या करता है? अगर मर्द का बच्चा है तू तो सामने से वार कर। ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ तू कर सकता है, मैं नहीं। तेरी करतूतों की वजह से पूरा गांव तेरा दुश्मन है। और सुन ले, इस लाला के दिल में बेईमानी नहीं, जो तेरी तरह बुजदिल बनकर पीठ पे वार करूं। चले कम दियो, चल कर। अरे देखूंगा मैं। अरे दिन भर गए तेरे। अबे सुन, तुझे शेट्टी भैया ने अंदर बुलाया, चल। अनीता को इम्प्रेस करने के लिए मैं घोड़े पे चढ़ा। जैसे ही मैं उसके ऊपर बैठा, उसने गाड़ी 5th गियर में डाल दी। टेकड़ी पे भैया की मीटिंग चल रही थी जो मेरी वजह से खराब हो गई। घोड़े ने 2-4 आदमियों को ठोक डाला, अब भैया मुझे ठोकेंगे। वहाँ पर मीटिंग नहीं चल रही थी, लाला के साथ तू तो मैं हो रही थी, और तूने भैया की जान बचाई, इसलिए वो तुझसे खुश है। और अभी सही मौका है, भैया को उस जमीन के बारे में बता दे, समझ गया ना? जा अंदर जाके बता दे, जा। कुछ एक्स्ट्रा मिले तो मुझे दे देना। ए, आज तूने मेरी जान बचाई है, अब से तू मेरा खास आदमी है, समझा? चल मांग, जो चाहिए वो दूंगा तुझे। मेरी जमीन मुझे दे दो। अरे मुझे नहीं माँ, पहले इसे आशीर्वाद दो, मेरी जान बचाई है इसने। बहुत ही नेक काम किया है शेट्टी को, मैंने अपना बेटा माना है। भगवान तुम्हारा भला करे। शुक्रिया माँ जी। हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है, तुम उस 30 एकड़ के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो ना उसे बेटा। मैं आपके पति की जान यानी मेरे गुरु के लिए ये सब कर रहा हूँ। जान के बदले जान लेना जरूरी है क्या? लड़ाई झगड़े के बिना बातों से इसका हल नहीं निकाला जा सकता। माँ जी, मैंने किसी के सामने जी हुजूरी नहीं की और ना ही मैंने हाथ फैलाया। अगर वो मुझसे माफी मांग ले मेरे पैरों में गिर कर, तो शायद मैं माफ कर दूं। बताइए, जाएंगी मेरे उस नौकर से बात करने? मैं बात करूं तो? तू जाएगा? हाँ भैया, गाय जिसकी हो जरूरी नहीं है कि वही उसका दूध निकाले, नौकर ये काम कर सकता है। अगर आप मुझे इजाजत दे भैया, तो मैं खुद लाला जी के घर जाऊंगा, उसे समझा कर धमका कर या घसीट कर ले आऊंगा। इस भैंस का दूध मैं निकालूंगा। अगर नाग को दूध पिलाओ तो वो मनोकामना पूरी करता है, पर इंसान में बसा नाग जहर ही उगलता है। मुझे जहरीले नागों का फन कुचलना आता है भैया। वाह बेटा, ठीक है जा। ठीक है भैया। अबे, और वहाँ अकेले मत जाना, वासु है ना, उसे लेकर जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। क्या बोला तू? मैं तो ये कह रहा था कि मैं जरूर जाऊंगा। मैं चलता हूँ भैया। सुन, वहाँ जाने से पहले तुम दोनों मुझसे मिलकर जाना।
अगर मरना है तो अकेले मर, मुझे क्यों साथ लेके जा रहा है? चुप कर, हमेशा अनाप शनाप बोलता है। हाँ, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, तू तो अनाप शनाप करके आ जाता है। वहाँ जाएंगे तो जिंदा नहीं लौटेंगे। सुनो, तुम दोनों इस घोड़े पर बैठकर जाओगे, मेरी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घोड़े की हर टाप सुन के उस लाला के दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए। जाओ मेरे सिपाहियों, हम बैठ के जा रहे हैं, वापस लेट के आएंगे। डर लग रहा है। गर्ल्स वहाँ देखो, दो गधे कैसे घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं। इतने खतरनाक दिखने वाले दो लोग आए हैं, जाओ जाकर किसी मर्द को बुलाओ। काम क्या है? ये बच्चों से बात करने लायक बात नहीं है, जा जाकर पप्पा को बुला। बाप ने इतने सारे मुष्टंडे पाल रखे हैं, उनमें से किसी को बुला। मेरे से काम चलेगा क्या? मुष्टंडे को बुलाया था, पोकल डंडे को नहीं। तेरे को मैं पोकल डंडा दिखता हूँ, तुझे मैं घोड़ी पछाड़ दूंगा। तू मुझे पछाड़ेगा? क्यों, शके क्या? हाँ है। ये दो लफंगे कौन है? शेट्टी भैया ने हमें आपसे कुछ बात करने भेजा है। बोलो किस बारे में? साफ साफ बोलो। भैया ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम 30 एकड़ जमीन के बारे में बात करें। क्या आप भी क्यों डरा रहे हो इन बेचारों को? तुम दोनों को जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वो 30 एकड़ की जमीन आप भूल जाइए तो बेहतर होगा। भैया के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी, ना जमीन का विवाद होगा, ना हम मालिकों के बीच में कोई झगड़ा। मैं एक महावृक्ष हूँ और वो मिट्टी का छोटा सा पौधा, जब चाहूँ उसे उखाड़ दूँ। अब पेड़ हो या पौधा, सब मिट्टी से ही तो बनते हैं ना, और आखिर में सबको मिट्टी में ही तो मिलना है। ए चवन्ने, प्रवचन सुनाने आया है? तेरे भैया को बोल दे मुझसे माफी मांगे, वो भी मेरे इन पैरों में गिरकर, और तभी शायद मैं सोचूंगा। तो ये पैर पकड़ने वाला महान काम आप भी तो कर सकते हैं, आप चलकर उनके पैरों में क्यों नहीं गिरते? चलो काम हो गया, निकलते हैं। तेरी इतनी हिम्मत? डरो नहीं भाइयों, ये तो प्लास्टिक की है। इतनी अकड़ आ गई तुझमें? मैंने रंगा को तेरे घर समझौते के लिए भेजा और तूने उसके मुंह पर चाय फेंक के मारी। मैंने उसे भेजा ताकि तुझे सुधरने का एक मौका मिले, क्योंकि अगर मैं आता तो तेरी टांग तोड़ देता। बहुत गर्म है, लगता है रात की लाल मिर्च अभी तक निकली नहीं है। ए, नीचे उतर। तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती? जब तेरा बाप उसकी बेइज्जती कर रहा था तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना? आज के आज ही फैसला होकर रहेगा, चल बाहर निकल, निकल, निकल। अब हंस के दिखा, दिखा। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द 30 acres ऑफ लैंड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द 30 acres ऑफ लैंड। Come on, speak up. What happened? Say something. क्या हुआ बे अनपढ़? अब बोलती बंद हो गई? मेरी बेटी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? बोलना, सीधा स्कूल जा। इसमें हाथ तंग है इसका। ये बात है। और मास्टर को बोल ABCD पढ़ा ठीक से। अरे यहाँ आओ बेटी। आओ बिटिया।